हम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में हैं और ये राम जन्मभूमि परिसर है। और इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत है इनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ नृपेंद्र मिश्रा जी हैं, राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष। सर बहुत स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद सर। हम लोग कल गए और हमने वो देखा, वो भव्य राम मंदिर का सपना अब वो साकार हो चुका है और जिसमें आपने अपना पूरा योगदान दिया। सर थोड़ा यहाँ पे बात भी करेंगे और टहलते टहलते सर यहाँ भी जो चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। सर सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे है कि क्योंकि आप इस समिति के अध्यक्ष रहे और आज वो मंदिर बनकर तैयार है, कैसी अनुभूति होती है, कैसा लगता है सर? पूरी तरीके से इसको मैं दैविक स्वरूप समझता हूँ, पूरे तरीके से मैं इसको एक आशीर्वाद समझता हूँ। मैं नहीं कभी भी मेरे मानसिकता में था कि इस प्रकार का कार्य, इस प्रकार की जिम्मेदारी मुझको मिलेगी। आई एम ए रिलीजियस पर्सन, आई हैव लॉट ऑफ फेथ, ऑलमोस्ट यू कैन टेक इट, इट्स ए ब्लाइंड फेथ। तो इसलिए ये जब मिला और जब वर्तमान में मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ, निर्माण की एक एक ईंट के निर्णय के साथ कहीं न कहीं मेरा भी संपर्क है, मैंने उसको देखा है, सोचा है, गढ़ा है और सबकी राय लेकर के आगे बढ़ा हूँ। तो मैं ये अवश्य बताऊँगा कि आज जबकि ग्राउंड फ्लोर का कार्य लगभग कंप्लीट है, भगवान गर्भगृह में पहुँच जाएंगे, 5 मंडप पूर्ण हो जाएगा, तो अपने में एक, आपने कहा आपको कैसा लग रहा है, तो मुझे एक तरफ तो पूरी तरह से ह्यूमिलिटी है, दूसरी तरफ जब लोग मुझे बताते हैं खासतौर से कि आप बड़ा भारी कार्य, बहुत महत्वपूर्ण कार्य, ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं, तो मैं भी सोचने लगता हूँ कि सचमुच ये कार्य और इसके साथ मेरा नाम का जुड़ा होना एक कहीं से एक इंस्पिरेशन है, आशीर्वाद है और उसमें डिविनिटी का बहुत बड़ा रोल है, ऐसा मेरा अनुभव है। तो सर अब क्योंकि काफ़ी काम पूरा हो चुका है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, उससे पहले पीएम मोदी भी 30 तारीख को आ रहे हैं, तो अभी सबसे पहला लक्ष्य क्या है? देखिए हम लोगों ने, हम लोग जब हम कहते हैं तो सभी चीज़ें ट्रस्ट की मान के आप चलें, निर्णय लिया था कि इसे हम 3 चरण में पूरा करेंगे। पहले चरण में इसका 31 दिसंबर 2023 था, जिसमें कि ग्राउंड फ्लोर पूरा होना था, कुछ परकोटा का अंश होना था, पिलग्रिमेज फैसिलिटेशन सेंटर ऑपरेशनल कर देना था और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, 0 डिस्चार्ज है, तो ये सारी जो अलग अलग सेंटर्स हैं उन सबको पूरा करना था। फेज 2 में मंदिर पूरा हो जाएगा। फेज 2 जी, ये कब तक होगा? वो दिसंबर 2024 है। 2024 दिसंबर 2024 में मंदिर के सभी भाग, परकोटा, आइकनोग्राफी, म्यूरल्स, जितनी चीज़ें हैं जो वर्तमान में चल रही हैं उसको हम बनाएंगे, और फेज 3 में जो कॉम्प्लेक्स है, परिसर है 71 एकड़ का, उसका निर्माण कार्य जिसमें अन्य प्रकार के भवन हैं उनका भी कार्य पूरा होगा। तो आप ये मान करके चलें कि यह फेज 1, फेज 2, फेज 3 का सारा निर्माण दिसंबर 2025 में पूरा हो। क्योंकि सर आप ट्रस्ट के भी मेंबर हैं और जहां तक हमें पता है ट्रस्ट बस बहुत जल्द उस मूर्ति का भी चयन करने वाला है जो मूर्ति वहां पर स्थापित होगी, तो क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ बता सकते हैं कि उस मूर्ति को चयन करने का आधार क्या होगा और कब तक वो चयन हो जाएगा? पहले मैं आपके अंतिम प्रश्न का जवाब दे दूं। देखिए मूर्ति का चयन ट्रस्ट के सभी सदस्य करेंगे, सभी मूल्यांकन करेंगे जिसका एक अपना वजन होगा,
जाहिर है चूंकि मूर्ति की पूजा होनी है, प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो यह निर्णय 7-8 जनवरी के पहले हो जाएगा। 7-8 जनवरी के पहले होगा जी। पहले खबर आ रही थी कि 29 तारीख को मीटिंग होगी और उसमें चयन हो जाएगा। देखिए, आपने चूंकि मुझसे पूछा कि निर्णय, तो निर्णय की एक प्रक्रिया होती है, इसलिए वो जो स्वरूप होगा जिसमें कि ट्रस्ट का रेजोल्यूशन भी होगा, प्रस्ताव भी होगा, वह लगभग 7-8 जनवरी तक पूर्ण होगा। हाँ, चयन की प्रक्रिया श्री चंपत राय जी, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं ट्रस्ट के, वो कब शुरू करेंगे ये उनके हाथ में है। चयन की प्रक्रिया का मतलब होगा कि वो ट्रस्ट की बैठक बुलाएं, ट्रस्ट के लोग आएं, उनसे पूछें कि आप कैसे करना चाहते हो, आप इसमें किन किन आधार पे, जो आपने पूछा कि कौन सा आधार होगा जिस पे आप ये कहेंगे कि अमुक मूर्ति है, तो वो ट्रस्ट के सदस्यों से पूछने जा रहे हैं। अच्छा, कि आप बताइए कि किस आधार पे होगा, जिससे सभी ट्रस्ट के लोग उसी आधार पे निर्णय करें। और अगर कोई सहमति नहीं बनी तो क्या कोई वोटिंग का भी प्रावधान है, ऐसा कुछ है? देखिए, आज तक तो मैंने पिछले 3 वर्ष में कभी भी ऐसा दिन नहीं देखा जब वोटिंग हो, और मैं नहीं समझता कि भगवान की मूर्ति के चयन में वोटिंग होगी। मेरे ख्याल से भगवान की मूर्ति में तो श्रद्धा और विश्वास सभी का होना चाहिए और वो मिलेगा। सर, 22 तारीख का जो कार्यक्रम है, बहुत भव्य कार्यक्रम है, 4,000 आगंतुकों को आप लोगों ने आमंत्रित किया है, तो उसके लिए क्या खास इंतजाम है? बहुत व्यापक है, यद्यपि मैं उस व्यवस्था से सीधा नहीं जुड़ा हूँ, क्योंकि मेरा तो निर्माण कार्य तक सीमित है और ट्रस्ट के बाकी लोग उस कार्य को देख रहे हैं, लेकिन मेरी जानकारी में तो 4,000 से ज़्यादा लोग हैं। अच्छा, मेरी जानकारी में तो यह है कि कम से कम 2 से 2,500 तो साधु संत, विभिन्न समुदाय, विभिन्न विश्वास, विभिन्न पंथ नहीं के लोग होंगे। 4,000, मैं आपको थोड़ा सा और सवाल और बड़ा कर देता हूँ, 125 पद्धति के 4,000 साधु संत और उसके अलावा और गणमान्य जी, तो ये कितने हो जाएंगे? हाँ, ये अनुमानित जो मेरी सूचना है वो है लगभग 8,000 की सूची होगी, जिनसे की जानकारी की जाएगी कि वह सम्मिलित होना चाहते हैं। उनके पास पहले अनौपचारिक संदेशा जाएगा जी, और यदि उन्होंने कहा कि पुष्टि की तो उनको आमंत्रित किया जाएगा। तो इस प्रकार से सभी लोग ये समझते हैं, बहुत ज़्यादा श्री चंपत राय जी के पास मांग पहुंचती होगी, जब मेरे पास 50 इस प्रकार की आते हैं और मुझे केवल एक ही जवाब देना होता है कि कृपा करके श्री चंपत राय जी से संपर्क करिए। जब मेरे पास इतने लोगों का संदेशा है अवश्य, तो उनके पास तो बहुत बड़ा प्रेशर होगा। मैं थोड़ा मंदिर परिसर के बारे में बात करूंगा सर। हमने जो मंदिर देखा और हमने जो निर्माण कार्य देखा, वाकई एक ऐसा मैमथ टास्क था जिसको आप लोगों ने बहुत कम समय में साकार कर दिया है। तो आज जब वो मंदिर खड़ा है, तो कभी कोई एक ऐसा चैलेंज जिसको देखकर आपको खुद अपने ऊपर आपको लगता हो यार ये हमने क्या कर दिया, और कोई ऐसा चैलेंज जो आपको आज याद आता हो कि ये हमने पार किया है? चैलेंज तो बहुत थी, चुनौतियाँ थी। निर्णय में प्राय ऐसे दिन या ऐसी रातें आई जब नींद भी जो है वो नहीं मिलती थी, क्योंकि यह आभास था कि हम जो निर्णय कर रहे हैं इसकी कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी करोड़ों लोगों के प्रति है। तो ऐसे बहुत चैलेंजेस आए। आप विश्वास माने, हर स्टेज पे जब कोई कठिनाई पैदा हुई तो उसका समाधान भी मिल गया। कैसे मिला, ये एक तरीके से एक्सपीरियंशल है, हम अनुभव कर सकते हैं बता नहीं सकते, लेकिन उन निर्णयों को हमने पूर्ण किया, उसके अनुसार कार्य किया, और उससे जो लोग जुड़े, फाउंडेशन जब बनना था
और जब कठिनाई आ रही थी कि बलवी जमीन है, इसको हटाना पड़ेगा, पाइल फाउंडेशन होगा नहीं, एक बहुत बड़े वर्ग के लोग और विशेष रूप से L&T जो निर्माण कर रही है, उनका यह मत था कि पूरे विश्व में पाइल फाउंडेशन होता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता। वो निश्चित मत के थे, उन्होंने लिख के दिया कि ये पाइल फाउंडेशन पे कार्य होना चाहिए, लेकिन अंत में ढेर सारे जो प्रमुख इंजीनियर जुड़े अपने आप जुड़ गए। कोई विशिष्ट व्यक्ति हैदराबाद से मिल गया, कोई दिल्ली में मिल गया, कोई गुवाहाटी में मिल गया, कोई सूरत में मिल गया, IIT के जो भी जाने माने स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे, उन सब की राय ले करके और ये तय हुआ कि नहीं साहब, फाउंडेशन पूरी मिट्टी हटाओ, नई मिट्टी लाओ, इंजीनियर्ड फिल सॉइल करो और उससे बनाओ। तो आइकनोग्राफी में निर्णय आवश्यक था, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हो, ग्रेनाइट का इस्तेमाल हो, मकराना इस्तेमाल हो, अन्य प्रकार के स्टोन हो। एक चीज़ पर अवश्य सबकी सहमति थी कि इसका जो मंदिर का स्टोन होगा वो राजस्थान का बंसी पहाड़पुर का स्टोन होगा, और उसका एक कारण यह भी था कि जो पहले ट्रस्ट के पहले जो इनके पूर्वाधिकारी थे, उन्होंने ऑलरेडी कुछ बंसी पहाड़पुर के स्टोन यहाँ कार्यशाला में कार्य कर दिया था। तो चूंकि वह ऑलरेडी निर्णय था और जो विशेषज्ञ लोग थे वह कह रहे थे कि बहुत अच्छा स्टोन है, इसलिए उस पर तो कोई विवाद नहीं हुआ किसी प्रकार का। एक कहते हैं ना, हर विषय पर यहाँ पर मत अलग अलग थे, उस पर सभी मत एक था। क्या बात कि बंसी पहाड़पुर स्टोन इस्तेमाल होगा। तो रहा, बहुत सारे निर्णय हुए। नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछना चाहता था, कभी कोई इस पूरी प्रक्रिया में कोई एक ऐसा समय आया हो जब आपने प्रभु राम से कहा हो कि भगवान अब आप ही संभालो, इसको हमसे नहीं हो पाएगा? लगभग भगवान को तो हमेशा ही याद करता था। लेकिन कभी कभी ऐसे निर्णय लेने पड़े, आप कृपा करके उसका विस्तार में ना जाएं। जी बिल्कुल नहीं। तो जिसमें लोगों ने यह कहा कि साहब, यदि आप इस प्रकार से कार्य चाहते हैं तो आपको लिखित में देना होगा। अच्छा, अगर आप लिखित में देंगे तब तो हम इस विचारधारा के अनुकूल निर्माण करेंगे, अगर आप नहीं देंगे तो हम जो शैली चाहते हैं उसके अनुसार होगा। तो मुझे देना पड़ा। आपने लिखित में दिया? जी, मैंने लिखित में दिया। और कितनी बार हुआ ऐसा? ऐसा 3 बार अब तक हुआ है। अच्छा, जब मुझे लिखित में देना हुआ कि मैं अध्यक्ष की हैसियत से यह आदेश करता हूँ और उसके अनुसार कार्य हुआ, तो मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ। तो होता है, यदि आप अध्यक्ष बने हैं तो। नहीं बिल्कुल, अगर आप टीम लीडर हैं तो आपको वो सारी जिम्मेदारियां ओन करनी पड़ती हैं। आप सोचे ना, अगर हमारा आर्किटेक्ट एक शैली के अनुसार कार्य करता है और उससे हम कहें कि इस शैली के अनुसार ना करें, जी, या हम किसी विषय पर वास्तु से थोड़ा हट करके कार्य करें क्योंकि वह श्रद्धालुओं से संबंधित विषय था, तो मुझे लिखित में देना पड़ा। देना भी चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, और फिर आप जैसे साफगोई वाले इंसान हो तो बिल्कुल बनता भी है। लेकिन अब क्योंकि बात आगे बढ़ रही है और चैलेंजेस की आपने बात की, हमें कल बताया गया कि वो 70 मीटर एकड़ का पूरा लेआउट प्लान है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और वो साकार हो रही हैं। आस्था तो है, प्रभु राम में सबकी आस्था है और भक्त आएंगे, लेकिन आस्था के साथ साथ ये मंदिर ऐसा लगता है कि एक बेहद शानदार इंजीनियरिंग, बेहद शानदार सामंजस्य की मिसाल है और ये एक केस स्टडी बन सकता है। बिल्कुल आपने सही कहा, आस्था, विश्वास, श्रद्धा
एक तरीके से भगवान के प्रति अर्पण, ये सब चीजें थी। लेकिन इसका दूसरा पहलू इंजीनियरिंग था, डिजाइन था, ड्राइंग था, एक्सपेक्टेशन थी कि इसको 1000 साल का करना होगा। इसमें मैं पूरी तरीके से मैं सीखा हूँ, बल्कि उनसे क्रेडिट दूंगा आईआईटी के विभिन्न आईआईटी जो हमारे एक तरीके से हमने उनके साथ एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट करके उनको लिया, उनकी राय ली, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से ली, रॉक मैकेनिक्स का सेंट्रल इंस्टीट्यूट है वहाँ से पत्थरों के बारे में जानकारी करी, इन सब की राय को लेकर के हम आगे बढ़े। और आपने जो कहा कि ये केस स्टडी होगा, तो ऑलरेडी आईआईटीज ने मांग की है या आप कहें कि सुझाव दिया है कि इसको आप फाउंडेशन से लेकर आखिर तक हर हिस्से का कार्य किस प्रकार निर्णय हुआ, कौन से कंसिडरेशन से डिज़ाइन और ड्राइंग क्या थी, इसकी पुस्तिका बनाए। अच्छा। और वह सिविल इंजीनियरिंग में टेंपल का एक सब्जेक्ट होगा, टेंपल कंस्ट्रक्शन का, उसमें वो इसको लेना चाहेंगे। आईआईटी कानपुर ने तो विशेष रूप से आग्रह किया है कि उनको इस प्रकार के वॉल्यूम किस्तों में भी देंगे वो वहाँ पे विद्यार्थी। मतलब राम मंदिर निर्माण की ये पूरी प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ी, ये आईआईटीज में, देश के अलग अलग आईआईटीज में पढ़ाया जाएगा। जी बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। और मैं आपको एक बताऊं, मुझे जानकारी मिली है और मैं समझता हूँ वो जानकारी सही है, प्रधानमंत्री जी का यह मत है कि एक देश में एक ऐसा केंद्र होना चाहिए जो टेक्निकल केंद्र हो, जो एपेक्स लेवल का टेक्निकल केंद्र हो, जहाँ पर कि हिंदुस्तान में, भारत में जो टेंपल इंजीनियरिंग की जानकारी मिले कि ये जो मंदिर बने हैं, देखिए ये भारत में तो आप जानते हैं कि मंदिरों का जीवन काल बहुत लंबा है। जी बिल्कुल, 800-1000 का है। तो वहाँ पर जो मिले हैं लोग, उनको कैसे बनाया गया, क्योंकि अभिलेख नहीं है, रिकॉर्ड्स नहीं है, हम लोगों के लिए कठिनाई थी। जब हम इसको बनाना चाहते थे तो हम लोगों ने मंदिर को चाहा कि रिफ़र करें, लोग हमको कहते थे कि आप कोणार्क देखें, आप तिरुपति देखें, सब चीज़ों को देखें, लेकिन कहीं रिकॉर्ड नहीं मिल पा रहा था। अच्छा। तो जो ये प्रधानमंत्री जी का प्रस्ताव है कि एक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर टेंपल कंस्ट्रक्शन बनना चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रस्ताव किया है और मुझे बताया गया है कि बहुत जल्दी संभवतः उत्तर प्रदेश में ही इस प्रकार की कार्य के लिए, एक तरीके से आप समझें कि आने वाले महीने वर्ष में आधारशिला रखी जाएगी। सर जब आप इतना बता रहे हैं तो फिर क्या मैं आपसे एक अनुमति ले सकता हूं कि कहीं वो जगह अयोध्या तो नहीं होगी या राम मंदिर परिसर तो नहीं होगा? नहीं, राम मंदिर परिसर तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए 25-50 एकड़ की ज़रूरत होगी। हाँ, लेकिन अयोध्या नहीं होगा ये मैं नहीं कह सकता। क्या बात है। अच्छा, हम इस वक्त जहाँ पर खड़े हैं सर, ये राम मंदिर जो राम जन्मभूमि परिसर है और राम मंदिर जाने का मुख्य प्रवेश द्वार होगा, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा निर्माण हम देख रहे हैं सर, अगर हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा आप बता पाएं ये सब क्या है, क्या चल रहा है? ये मुख्यतः आप कहें तो ये श्रद्धालु सेंट्रिक है। ओके। जैसे ही आप राम मंदिर के लिए मुड़ते हैं मुख्य सड़क से, कथा मार्ग से जी, और आप आएंगे तो आपको पैदल चलने के लिए अलग अलग कैनेपीज बनाई गई हैं। ये जो सामने बनी जी है, जो सामने ये दिख रही हैं, ये लगभग कुल मिलाकर आखिर तक 10 कैनेपी है। ओके। इरादा ये है, या हम यह चाहते हैं, या आप ये कहें कि हमारी मंशा है कि यदि श्रद्धालु थोड़ा समय लेकर के यहाँ पर चलते हैं सर, थोड़ा उधर भी चलते हैं। हाँ, अगर वो चाहता है कि वो रेस्ट कर सके जी लौटते हुए या जाते हुए, तो उसको यहाँ रेस्ट करने के लिए छाँ मिले, यहाँ पर सुविधाएं हों, और
यहाँ पर यदि वह जानकारी चाहे और विशेष रूप से अलग अलग भाषाओं में जी सर, तो उनका भी व्यवस्था करे। तो ट्रस्ट इस प्रकार की कोशिश कर रहा है जी सर, कि विभिन्न प्रदेशों से जो आएंगे श्रद्धालु जी सर, उनके लिए लैंग्वेज की फैसिलिटी यहाँ पर मिले। यहाँ अलग अलग भाषाओं की जी। अच्छा जी। मुख्य रूप से ऐसे स्वयंसेवक ट्रस्ट प्राप्त करेंगे जो वो भाषा बोल सकते हैं ओके, और वो समझा सकते हैं ओके, उसकी व्यवस्था की जा रही है। ये जो एक स्ट्रक्चर है बड़ा महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आकर के श्रद्धालु को अपना सामान देना है स्कैनिंग के लिए ओके, सारी चीज़ की जांच यहाँ पर होगी ओके, और यहाँ से वह जांच करा करके अंदर जाएगा ओके, अंदर जाकर वह उसी चीज़ को जो उसको स्कैनिंग के बाद वापस मिल जाएगी वह एक आगे करीब 50 कदम पर यहाँ पर पिलग्रिमेज फैसिलिटेशन सेंटर है जी, सुविधा केंद्र जी, वहाँ पे कुल मिलाकर करीब 12,000 लॉकर हैं। 12,000 लॉकर जी, वाह। और उन पे कुछ यदि आप वैल्यूबल हैं आपकी तो ऐसी भी व्यवस्था होगी कि उसमें लॉक एंड की भी हो, जिससे कि हुआ विश्वास के साथ दे सके और चाबी अपने पास ले ले, ऐसा भी व्यवस्था किया जा रहा है। करीब 64 काउंटर्स हैं जिसके जरिए वो देगा, और देने के बाद फिर सामान वहाँ रख करके वह इसी रास्ते से वापस फिर यहाँ जुड़ जाएगा और आगे चल करके उसकी व्यक्तिगत फ्रिस्किंग होगी, और फ्रिस्किंग के बाद सीधा मंदिर जा सकेगा जहाँ की ईस्टर्न गेट है, और ईस्टर्न गेट में उसको एक आप यूँ समझें कि वो जिसको हम सिंह द्वार कह रहे हैं जी, वो सिंह द्वार ही नहीं है, वहाँ पे तीन हैं पेडेस्टल, तीन हैं दाएं और बाएं प्लेटफॉर्म जी, सबसे पहले सिंह द्वार है जी, फिर गज द्वार है जी, फिर उसके बाद हनुमान जी और गरुण जी हो, तो ये कुल मिलाकर के 6 मूर्तियाँ वहाँ पर होंगी ओके, जिसमें 33 सीढ़ियाँ हैं जी, और वहाँ से सीढ़ियों को क्लाइम करके वो फिर पहुँचेगा और फिर उसको मंडपों के जरिए सीधे भगवान गर्भगृह के सामने। क्या बात है सर। एक जानकारी और, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर वैल्यूबल सामान रखने की यहाँ व्यवस्था होगी, देश के बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर जूतों का तो अलग से होता है, पैर जूते चप्पलों का, मोबाइल फ़ोन हो गया, बेल्ट हो गई, चश्मे हो गए, ये सब रखने पड़ते हैं, तो क्या मोबाइल फ़ोन ले जा सकेंगे इधर श्रद्धालु राम मंदिर में या नहीं? अभी वर्तमान में मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकेंगे। अच्छा, इसलिए अगर मोबाइल फ़ोन लेके आ रहे हैं हाँ, तो उनको यहाँ पर अपने काउंटर पे जमा करना, मतलब 22 जनवरी के बाद जब मंदिर खुलेगा तो यहाँ पर मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी? वर्तमान में अनुमति नहीं है जी, क्योंकि वह क्षेत्र पूरी तरीके से सिक्योरिटी एजेंसीज का है ओके, और वो जो अनुशासन बताएंगे उसका ट्रस्ट पूरी तरीके से अनुपालन करेगा। और सर कितने तरह की सुरक्षा एजेंसियाँ हमारे लगी होंगी, अगर जितना आप बता सकें पब्लिक डोमेन में, जो इस राम मंदिर की सुरक्षा में लगी होंगी या लगेंगे सुरक्षाकर्मी? देखिए, एक तो वर्तमान जो राज्य सरकार है उन्होंने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया है जो मंदिरों के ही निर्माण के बाद मंदिरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन उसके अलावा केंद्रीय जो सुरक्षा दल हैं जी सर, वो उसमें जुड़े रहेंगे। तो यह मान करके चलें कि इस मंदिर की और इसी प्रकार अन्य मंदिरों की सुरक्षा सर्वोपरि है, और जो भी केंद्र सरकार से बन सकेगा और राज्य सरकार से बन सकेगा, चाहे वह इंटेलिजेंस हो, चाहे वह एक तरीके से फॉरेन इंफॉर्मेशन को कलेक्शन करने की बात हो, या समाज में यहाँ गतिविधियाँ हों, इन सब के लिए पूरी तरीके से जो कहते हैं कि सुरक्षा दल कमिटेड है तो वो वचनबद्ध है और वो अपने कार्य में लगे हुए हैं। सर कहते हैं कि जिंदगी चलने का नाम है, अब राम मंदिर का सपना तो 500 सालों के बाद साकार हो चुका है, क्या राम मंदिर ट्रस्ट का इसके आगे भी कोई लक्ष्य है?
देखिए सबसे पहले लक्ष्य तो 2025 तक इस मंदिर का ही है, ठीक है, लेकिन निश्चित रूप से जो ट्रस्ट के ऑब्जेक्टिव्स हैं, आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम है, उसमें यह व्यवस्था की गई है कि ट्रस्ट के पास यदि स्रोत होंगे तो उन स्रोतों से वह समाज के अन्य कार्य जो होंगे उन्हें वो पूर्ण कर सकेगा। तो निश्चित यह मान करके आप चलें कि ट्रस्ट धार्मिक और सामाजिक संस्था है और वो उसके अनुसार अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। सर, निर्माण के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना दिल खोल दिया, अपनी तिजोरियां खोल दी, बढ़ बढ़ के लोगों ने पैसे दिए, चंदे दिए, उसका कुछ हिसाब सर कितना पैसा अभी तक आ चुका होगा राम मंदिर के निर्माण? मेरा अनुमान है कि करीब 3,500 करोड़ रुपए के करीब हमें मिला है। हाँ। और ये तब है जबकि FCRA जो विदेश में हमारे भारतीय हैं, हाँ, उनका अकाउंट अब तक नहीं था। अच्छा, तो अब वो भी योगदान कर सकेंगे। ओके। और उनकी बड़ी उत्सुकता थी। हाँ। उनके बड़े एक तरीके से आप समझे कि प्रोटेस्ट तो नहीं, लेकिन वो हमको ये कहते थे कि आप हम लोगों को क्यों वंचित रख रहे हैं, हमें भी पुण्य पुण्य करना है। तो वह अब अकाउंट खुल गया है और वो अपना योगदान कर सकेंगे। निर्माण में तो आप यह समझिए कि 100% निर्माण कार्य जो भक्त लोगों का योगदान है, दान है, उससे ही हुआ है। इसमें एक पैसे का योगदान राज्य या केंद्र सरकार का नहीं है। एक पैसे का योगदान राज्य और केंद्र सरकार का नहीं है, ये बहुत बड़ी लाइन आप कह रहे हैं सर, क्योंकि बहुत सा मैं नहीं चाहता आप राजनीति में जाएं और आप जाएंगे भी नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने ये सवाल उठा दिया कि सरकारी कार्यक्रम की तरह ये मंदिर क्यों बन रहा है या प्राण प्रतिष्ठा समारोह सरकारी कार्यक्रम की तरह क्यों हो रहा है? किसी प्रकार से प्रारंभ के से लेकर आज तक और आने वाले भविष्य में इसका सरकारी स्वरूप नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय ने भी यही अपेक्षा की थी कि ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, इसमें राज्य और केंद्र सरकारों का कोई योगदान और हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि उसी प्रकार से, उसी विश्वास से और वह जो एक्सपेक्टेशन है उसके अनुसार ही ट्रस्ट अपना कार्य कर रहा है। तो जो प्रधानमंत्री जी आएंगे या मुख्यमंत्री जी आएंगे या जो राज्यपाल आएंगी, इनको आप लोगों ने एक ट्रस्ट के तहत न्योता दिया है और वो उस न्योते को स्वीकार करके आ रहे हैं बजाय कि किसी सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने के आ रहे हैं। बिल्कुल सरकारी कार्यक्रम नहीं है। हाँ। उनको उसी प्रकार से न्योता दिया गया है जैसे अन्य महानुभावों को दिया गया है। ओके। अन्य पार्टियों के महानुभावों को दिया गया है। हाँ। जो विभिन्न महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पदों पर हैं उन सबको दिया गया है। तो जो यहाँ उपस्थित होंगे, जो सम्मिलित होंगे, उनका एक व्यक्तिगत जीवन भी तो है, उनका एक व्यक्तिगत विश्वास भी तो है। तो हर कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम से नहीं जोड़ा जा सकता। बहुत अच्छी बात कही सर आपने और मुझे लगता है कि आपकी इन बातों से बहुत क्लैरिटी आ गई है। अब अगर कोई राम मंदिर में अपना योगदान देना चाहे सर, चंदे के तहत या फिर किसी और तरीके के तहत, तो कैसे दे सकता है सर? देखिए ऑलरेडी अकाउंट्स वगैरह हैं जो कि घोषित हैं कि इस बैंक का अकाउंट है, आप सीधे चेक करें। लेकिन उसके बारे में खबरें आ रही हैं सर कि कुछ लोगों ने उसका फायदा उठाकर धोखाधड़ियां करी शुरू। ये खबरें कुछ जगहों से थी। हाँ। कि लोगों ने गलत नाम से एक अपना संस्था बनाई और यह कहा कि हम भगवान के निर्माण कार्य के लिए करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ प्रारंभ के कुछ एक दो माह के बाद इस प्रकार की अब कोई भी घटना सामने नहीं आती कि लोग अपना योगदान जो है वो बहकावे में आकर के दें। सभी को पता है कि जो भी योगदान देना है तो उसकी पहचान का कोई तरीका है, कैसे पहचाने कि ये असली है या नकली है? देखिए एक तो ऑलरेडी नोटिस है, वेबसाइट है हमारे टेंपल का, न्यास का, जिसमें लिखा हुआ है कि आप अमुक अकाउंट में स्टेट बैंक में अपना योगदान चेक द्वारा या ड्राफ्ट द्वारा या ट्रांसफ़र करके आप कर सकते हैं। तो उसी के अनुसार FCRA अकाउंट के बारे में भी लिखा गया है और
योगदान प्रारंभ में तो कुछ चिंता थी, क्योंकि बहुत सारे स्वयंसेवक या जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे उनको रसीदें दी गई थी।